पूरी तरह से तड़प रहा था गंगा जल, उसकी तड़प देखी नहीं गई। बड़ी ही नजर थी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने एक एक करके हफ्ते सारे पैसे चुका दूंगी, लेकिन सिर्फ एक बार मेरे बच्चे को हाथ लगा कर देंगे, तुझे ही थोड़ा सहयोग मिलेगा, बड़ी जिद्दी लगती है ये,
इतना भी समझाओ लेकिन नहीं मानती थी। इस पर मेरा बाप कहता है, नारद माना देखना मेरी ये सुंदर सी बेटी एक दिन राजा की रानी बनकर रहेगी। तो उसके पति की उसकी पत्र आई तो उसे पढ़ना लिखना जानना चाहिए ना, मैं मामी को पढ़ाऊंगा। इस पर मेरी माँ हंसती बाप को कहती, धनी रावी लड़की जा, लड़की जा को क्या करना चाहिए पढ़ना लिखना जानकर, शादी ब्याह करके अपने घर चली जाएगी अपनी गृहस्थी संभालने के लिए, क्या करेगी ये पढ़ लिख कर। इस पर मेरा बाप कहता, ना रखना ना, देखा उस पुणे में फूले बाबा ने निकल लिया है लड़कियों की पाठशाला, जाती है लड़कियां यहाँ पढ़ने लिखने, तू भी देखना मेरी मामी राजा की रानी बनकर रहेगी तो इसे भी मैं पढ़ाऊंगा। मेरा बाप बहुत प्यार करता था मुझे, बड़ी जान छिड़कता था मुझे, बाप इस लड़का से मुझे भी लगता मैं भी पढ़ लिखू कभी मैं सबसे मेरे बाप मेरी छोटी बहन गौरा उसका नाम। और उसके बाद बड़े मन्नतों से हुआ मेरा भाई शंकर, शंकर के रूप में इसमें स्वार्थ नहीं है तो स्वार्थ अभिमान मानता
और थोड़े ही देर में घर में मेरे ब्याह की चर्चा होने लगी। कोई भी स्त्री किसी भी स्त्री के जीवन का सर्वा सबसे आनंदमय क्षण है इसकी शादी, उसका ब्याह और जिसका पति, जिसका पति ये केवल देश का नहीं तो पूरे विश्व में महान विद्वान ऐसा मिला, ऐसा भाग्य मुझे मिला, मेरे जैसे भाग्यवती नहीं। तब मैं थी 9 साल और साहब ने हाल ही में मैट्रिक की परीक्षा दी थी। हमारी शादी हुई बंबई के भाईखाना के पास जाकर। माना आसमान से बारिश हो रही थी, सभी और मछली की सलाह बू आ रही थी। शाम को बाजार घटने के बाद में हमारा हुआ शुभ मंगल। सभी तरफ मछली की सलाह बू और पैरों के नीचे से गंदा पानी बह रहा था, ऊपर से बरसात भी हो रही थी। और तभी धोते थी अम्बेडकर बन के, मैं अम्बेडकर के घर गई तो मामा जी ससुर जी ने मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली। मुझे एक तरफा बुलाकर कहा, सुन भाई देखो आपकी वजह से भीमा की शिक्षा खंडित नहीं होनी चाहिए, भीमा की शिक्षा आपकी वजह से बिल्कुल भी बंद नहीं होनी चाहिए, उसकी शिक्षा जारी रहनी चाहिए। मैंने भी कहा मामा जी से, कहा मामा जी मैं आपको वचन देती हूँ जब तक रमा का जाल नहीं जाल है तब तक सांप की शिक्षा जारी रहेगी। रमा आपको वचन देती है जब तक रमा के जाल में जाल है सांप की शिक्षा कभी भी खंडित नहीं हो पाएगी। घर में ससुर जी का मिलिटरी का अनुशासन, उनके अनुशासन में मुझे घर गृहस्थी संभालने का मौका मिला। बड़े प्यार करते थे मुझे ससुर जी, उनकी वजह से हमारे बीमार मामा के संसार की गृहस्थी आगे चलने लगी। घर में खाने वाले लोग ज्यादा, कमाई कम, बहुत तंगी चल रही थी। घर में पैसों की किल्लत हो रही थी, साहब घर के सारे से जाने लगे। तभी उन्हें बड़ोदा सरकार का बुलावा आया नौकरी का। साहब ने सोचा बड़ोदा जाएंगे नौकरी करेंगे, 4 पैसे कमाएंगे घर में खर्च करेंगे। लेकिन मामा जी को ये सारी बातें नहीं पसंद थी, उन्हें नहीं लगता था कि नौकरी के लिए 4 पैसे की वजह से साहब अपनी शिक्षा छोड़ देते। लेकिन साहब भी बड़ी नहीं थी, हट करके चले गए बड़ोदा। मैंने जैसे तैसे समझाया मामा जी को, समझाया मामा जी देखिए साहब नौकरी करके भी अपनी शिक्षा जारी रखेंगे, अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी खंडित नहीं करेंगे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मामा जी को, लेकिन इधर साहब पार पाव वालों पर और मामा जी ने बिस्तर पकड़ लिया। दिन ब दिन उनकी तबीयत गिरती गई, लेकिन भगवान के नाम से सात इनाम का व्रत ले लेकर वो एक एक दिन जी रहे थे। हम घबरा गए, घबरा कर साहब को बड़ोदा काम करके वापस बुला लिया। लगा मानो केवल साहब के दर्शन के लिए ही मामा जी ने अपने प्राण रोक रखे थे। साहब आए बड़े प्यार से, बड़े मनोहर से मामा जी ने उनके सर पर से हाथ फेरा और फिर से एक बार इस भरी दुनिया में साहब जैसी बड़ी जिम्मेदारी डालकर मामा जी इस रमा को अनाथ करके चले गए। साहब की जैसी बड़ी जिम्मेदारी उस पर डाली। धूप छाव का लेप रंग लेकर जिंदगी एक 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 दिन आगे बढ़ गई। तभी एक दिन साहब के गुरु जी आए, केवल का गुरु जी। उन्होंने कहा, सुन भाई सुनो एक बड़ी आनंद की बात है, साहब को अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यवृत्ति मिल गई। ऐसा मौका बार बार अपनी जिंदगी में नहीं आता, जाने दो साहब को पढ़ने दो, फिर से ऐसा मौका
देखो ये मौका बहुत सुनहरा मौका है, ऐसा मौका बार बार करने के लिए नहीं आता, जाने दे जाओ अमेरिका का। गुरु जी ने सुना है पर मुझ पर मानो आसमान ही नहीं पड़ा। साहब हमें छोड़कर सात समंदर पार करेंगे उच्च शिक्षा के लिए, घर में कमाएगा कौन, खाएंगे क्या? आज ये गृहस्थी का कारण मैं कैसे आगे ले तक चाहूंगी। लेकिन तभी ससुर जी को दिए हुए वचनों की याद आई, हाँ गुरु जी से कहा, गुरु जी जाने दीजिए साहब को पढ़ने, जितना पढ़ेंगे पढ़ने दीजिए उतना, मैं संभालूंगी सब। साहब गए जाते समय कह कर गए, रामू इसी घर गृहस्थी के गाड़े को तुम्ही को अकेले को खींचना है। अमेरिका से साहब के बहुत बड़े बड़े पत्र आते थे, मेरा दादा शंकर मुझे पढ़कर सुनाया करता था। साहब लिखते रामू अमेरिका ये बहुत बड़ा देश, यहाँ है बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और है उतने ही बड़े दिल वाले लोग भी, यहाँ कोई मुझे मेरा अपमान नहीं करता, कोई मुझे अछूत कहके मेरा उपहास नहीं करता। साहब बहुत बड़े बड़े मैं कहना मुझे कुछ समझता था कुछ नहीं समझता था, मैं दादा को कुछ नहीं, दादा अरे साहब को वो मेरी चटनी और कट की आम की बहुत पसंद है, उसे तुम्हें मिलती होगी क्या वहां अमेरिका में? दादा हंसता था, कहता था भयो तू पागल है क्या, साहब क्या लिख रहे, तू क्या पढ़ रही और क्या सुन रही, बैठ भी नहीं कर अपनी वो मिल की चटनी और कट की आम बीच में रखा। वापिस आऊंगा, हाँ ठीक है। साहब का पत्र सात समंदर पार से बहुत बड़ी शिक्षा लेकर खूब विद्वान बनकर साहब अपने घर लौटा रहे थे, अपने घर उस राज से मुख के जी भर के दर्शन होने वाले थे। साहब आने के खुशी में सारा घर मानो आनंद से भर उठा। साहब के स्वागत की सारी तैयारियां की, सारे घर की दीपावली की, साहब को पसंद जो जो चीजें पसंद है वो सब बनाने के लिए सामान आकर रख दिया घर में, और एक एक दिन साहब के ना देते रहते। साहब आने का दिन आ गया, हाँ आज साहब अपने घर आ रहे थे खूब विद्वान बनकर। साहब आने की खुशी में हम सारे अंदर बाहर करते थे, बड़े आंखों में प्राण लिए साहब की राह देख रहे थे। समाचार पत्र में वो खबर छप कर आई जिस बोर्ड से साहब आ रहे थे, वो बोर्ड जनक पर पटियों ने डुबा दी। एक क्षण क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। साहब आएंगे इसलिए आंखों में प्राण लेकर साहब की राह देख रहे थे। तभी समाचार पत्र में छपी हुई थी वो समाचार सही थे, ये वार्ता सच थी या झूठ, उस पर विश्वास रखूं या ना रखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पल पल में मानो खुशी से भरा हुआ घर मातम में बदल गया। अखबार में छपी हुई वो खबर सच में सही थी या झूठ, उस पर विश्वास रखूं या ना रखूं कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों में प्राण लेकर साहब के राह देख रहे थे। तभी वो खबर सच थी या झूठ, लेकिन तभी वो वोट चुकने की वजह से दूसरे वोट से सलामती से वापस आ रहा हूं साहब की दार और हम सब साहब आए उनके राज सिंह से मेरी नजरे नहीं हटती थी। साहब आए तो लगा मानो सारा क्रोध नहीं गया,
धावा के बाद मैंने साहब से पूछा, मैंने कहा साहब आप इतने पढ़ लिख कर आए हो, इतनी विद्वत्ता है आपके पास, यदि साहब आने के बाद चार पैसे कमाएंगे, चार पैसे कमा कर घर गृहस्थी संभालेंगे, मैं भी चार औरों को जैसे अच्छे कपड़े धोते जमा करूंगी, बर्तन धंधे जमा करूंगी और अपनी गृहस्थी अच्छे से सजाऊंगी, बड़ा मन करता था। साहब के पास ये सारा कुछ बोल बैठी तो साहब हंसने लगे, मुझे कहने लगे रामू अरे मैं पढ़ा मैं लिखा और मेरी विद्वत्ता का फायदा लेकर यदि मैंने चार पैसे की कमाई करने के लिए कुछ नौकरी पकड़ ली तो उसमें मैं खाली तेरा ही समाधान कर पाऊंगा, लेकिन क्या तुझे नहीं लगता मेरी विद्वत्ता का फायदा, मेरी शिक्षा का फायदा, मेरी राह देख रहे मेरे करोड़ों भाई बंधु को होगा। यदि मैंने मेरी पढ़ाई का फायदा उठाकर चार पैसों की कमाई करके चार पैसे कमाए तो उसमें से मैं सिर्फ तेरा समाधान करूंगा, लेकिन मेरे इन करोड़ों भाई बंधुओं के समाधान में क्या तू समाधानी नहीं हो पाएगी। साहब बड़े बहुत बड़े बड़े शब्द बोलते थे, मैं ना मेरे कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ समझ में आता था, लेकिन मन ने एक बात जरूर ठानी, मन ने जानी मेरे साहब आम आदमी लोग जैसे नहीं है, मेरे साथ सामान्य जनों जैसे सामान्य जीवन में जीने वाले नहीं है, मेरे साथ आम आदमियों से परे हैं, उनके सपने उनकी अपेक्षाएं ये चार लोगों से बहुत भिन्न है, इसलिए साहब के हाँ में ना मिलाना, उनके नाम में ना मिलाना, यही स्थान लिया इस अनाड़ी रवाना। साहब एक एक करके शिक्षा का गर्व चढ़ते हैं और मैं घर गृहस्थ के गाड़े को आगे खींचने चली गई, घर गृहस्थ के गाड़े को खींचने के लिए मुझे मेरी माँ ने सिखाया वह हुआ वही हुनर काम में आया, उपलियां बनाने का, चार औरतें जम थी मेरा उपहास करती हंसी उड़ाती कहती ये औरत देखो इसका आदमी विदेश गया है उच्च शिक्षा के लिए और ये गोबर बिनती उपलियां बनाती। मैं कहती साहब की गृहस्थी बड़े विश्वास से कुछ कर डाली गई, उनकी गृहस्थी संभालने के लिए मैं गोबर बिनकर उपलियां बनाती हूँ, उनका उनकी गृहस्थी संभालती हूँ, उसमें गंदा काम क्या करती हूँ, साहब का विश्वास ही बरकरार रखती हूँ ना। चार अरबों के उपहास से बचने के लिए सुबह तड़के उठते ही गोबर बनती लिया बनाती, लेकिन बहुत तकलीफ होती, शरीर में बुखार रहता था, मुझसे काम नहीं हो रहा था, मेरी बहन गौरा वो भी काम करती थी, मेरा दादा भाई सर बिना बाकी बेचता था और उस पर ही जैसे तैसे चल रहे थे गृहस्थी की गाड़ी, घर में खाने का नहीं होता था, बच्चों बनिया सामग्री दे रहा था, दूध वाला दूध का तो मेरी देखा नहीं, लक्ष्मी पानी में आटा मिलाकर बच्चों को दूध बनाकर पिलाती थी, जिंदगी बिताने की बात आई है, तभी मेरा गंगा बहुत बीमार पड़ा दो दिन से मछली की तरह तड़प रहा था, वो गंगा की तड़प देखी नहीं थी, डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने कहा डॉक्टर साहब मेरा बेटा देखिए बड़ी बुरी तरह से तड़प रहा है, वो उसकी तरफ मुझसे देखी नहीं गया, सिर्फ एक बात मेरे बच्चे के हाथ लगा कर देखी,
ये समझ न पाई।